इस लेक्चर में यहां पर हम बात करने वाले हैं मैकमरी रिएक्शन और मैकमरी कपलिंग रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन क्या है, इसमें क्या रिएक्टेंट होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, रिएक्शन कंडीशन क्या होगी, सब कुछ यहां पर हम देखने वाले हैं। साथ के साथ मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा और किस टाइप के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हो है ना, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हो आपको आता है या नहीं आता। इसी तरह से क्वेश्चन भी अपन करके देखेंगे, उसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले तो आप एक बात यहाँ पर नोट करके रखना, मैकमरी रिएक्शन में जो कंपाउंड होता है, मतलब रिएक्टेंट होता है, वो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है। हाँ, अगर एल्डिहाइड और कीटोन में से एक को चूज करना पड़े तो मैकमरी कपलिंग रिएक्शन कीटोन के देने के ज्यादा चांस होता है, मतलब कीटोन मोर फेवरेबल है इसके लिए, है ना। और बात करें यहां पर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो एल्किन बनता है। मैकमरी कपलिंग रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड से एल्किन जो बनते हैं वो ई और जेड दोनों ही बन सकते हैं, ई भी बन सकती है और जेड भी बन सकते हैं। अब देखो समझना, इस रिएक्शन की बात करें तो रिएजेंट बेसिकली यहां पर अपन क्या लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं TiCl3। TiCl3 के साथ कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर ले लिया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, जिंक कॉपर कपल ले सकते हो, सोडियम पोटेशियम लिथियम आप कुछ भी ले सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो TiCl3 होता है उसमें आपको पता है कि टाइटेनियम कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहां पर जो कोई रिड्यूसिंग एजेंट अपन लेते हैं, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट लिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट टाइटेनियम को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से एक्चुअली 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करता है। जैसे यहां पर है ना, देखो टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आपको क्या करना है, जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया, कार्बोनिल कंपाउंड जैसे ये ले लिया, कार्बोनिल कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल लो, ये रिएजेंट आपने लिया, इस रिएजेंट के प्रेजेंस में आप यहां से दोनों ऑक्सीजन को हटाकर बीच में डबल बॉन्ड बना दो, बस यही इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा। इतना आपको याद अच्छे से रख लेना है, कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों ऑक्सीजन को हटाकर डबल बॉन्ड बना देना, यहां पर ध्यान देना प्रोडक्ट ई और जेड दोनों ही बनेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होते, इसके मैकेनिज्म क्या है, इसको समझने का हम यहां पर प्रयास करते हैं। देखिए रिएक्शन कैसे होते, मैकेनिज्म इसके आखिरकार क्या है, तो देखो समझने की कोशिश करना। जैसे यहां पर हमने लिया सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, यहां पर ए डबल बॉन्ड, यहां पर ये हो गया, ठीक है। यहां पर आपको पता है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट अपन लेते हैं इसके प्रेजेंट में Ti+3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, मतलब यही एक्टिव फॉर्म होती है। तो यहां पर आप ध्यान देना, जैसे Ti 0 यहां पर प्रेजेंट है। अब देखो समझने की कोशिश करना, आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा भाई, ठीक है। यहां पर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने पर बॉन्ड ऐसे टूटेगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो टाइटेनियम है, देखो यहां पर जैसे ही बॉन्ड तोड़ोगे तो एक्चुअली यहां पर प्लस आएगा ऐसे। अब यहां पर प्लस आया बॉन्ड टूटने के बाद, तो एक्चुअली क्या करेगा, टाइटेनियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी बॉन्ड टूटने पर यहां पर प्लस आएगा, प्लस आते एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ये, तो यहां पर भी रेडिकल बन जाएगा। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम ने इसको दिया और एक इसको दिया, तो टाइटेनियम यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, मतलब सबसे पहले एक्चुअली यहां पर ये होता है, ये यहां पर ओ है ना, और यहां पर भी ये ओ, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेते प्लस की जगह रेडिकल, तो यहां पर ही रेडिकल, इसी तरह यहां पर भी रेडिकल, और आपको पता है ये ओ माइनस होगा, ये भी ओ माइनस होगा, टाइटेनियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ऐसे केस में टाइटेनियम किस में चला जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये टाइटेनियम इससे बॉन्ड बना लेगा, इससे और इससे, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन एक्चुअली ओ माइनस की फॉर्म में होगा ऐसे। अब आपको पता है कि यहां पर ये रेडिकल है, यहां पर रेडिकल है, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल दोनों मिलकर आपस में बीच में बॉन्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे भाई, तो यहां पर एक्चुअली ये 5-membered रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ये यहां पर ये 5-membered रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है ये, और इसके बाद आगे फिर एल्किन का फॉर्मेशन इजी है। आपको पता है कि टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4 होते हैं ना भाई। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, आर्गन है ना, आर्गन यहां पर 3d2 4s2, तो टाइटेनियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 to 4, मतलब +4 शो कर सकता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ये यहां पर शिफ्ट कर सकता है एक तरह से ये। तो ऐसे केस में यहां पर एक्चुअली क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये यहां पर ये डबल बॉन्ड हो गया, और साथ में यहां पर देखो टाइटेनियम ऑक्सीजन है, तो यहां पर अपन TiO2 को
बाहर निकाल सकते हैं, इसमें टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगी, प्लस फोर होगी। अब एक बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर ये भी रेडिकल है ना, आप इनको रोटेट भी कर सकते हो, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो एल्कीन बनेगी वो ई और जेड दोनों ही बनती है, मतलब इसमें एल्कीन ई भी बनती है और जेड भी बनती है, इस बात का आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान जरूर रखना है ना। अब एक बात और समझना कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आप यू समझ लो, यहाँ पर यू समझ लो कि अगर मैं मान लो कि यहाँ पर कोई सिन वन टू डायोल ले लेता, जैसे ये ले लिया मैंने, ये सिन वन टू डायोल यहाँ पर ले लिया ये, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दी अपने टाइटेनियम से, ऐसे टाइटेनियम है ना, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, कुल मिला के सिन वन टू डायोल की रिएक्शन इस रिएजेंट से कराऊंगा तो टाइटेनियम तो जीरो में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में भी अगर मैं ये भी लेता हूं तब भी यहाँ पर सेम ही इंटरमीडिएट बनेगा, है ना, यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा, इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इससे, इसकी बॉन्डिंग इससे, और ये सेम इंटरमीडिएट बनेगा, या मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे शो कर देता हूँ कि यहाँ पर भी ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, ये यहाँ पर वेज पे, तो वेज पे बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा ही वैसा बता दो, और ये टाइटेनियम की बॉन्डिंग इससे कर दो। ये आगे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, और इससे ये बन जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, देखो जो सिन वन टू डायोल है, सिन वन टू डायोल ये, और या फिर कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों ही मेक मरी कपलिंग रिएक्शन देते हैं, तो मेक मरी कपलिंग रिएक्शन सिन वन टू डायोल भी देता है और ये भी देता है ना, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब एक बात समझना आप, जैसे मान के चलो ऐसा केस है कि आपने देखा कि फोर मेंबर रिंग, अब जैसे यहाँ पर ये वेज पर है OH, यहाँ पर ये वेज पर है OH, समझ में आ रहा है, और आपने ले लिया जैसे TiCl3 है ना, और यहाँ पर जैसे मान लो आपने पोटेशियम ही ले लिया, तो आपको पता है कि आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप इसको हटा दो, इसको हटा दो, और बीच में डबल बॉन्ड बना दो, ये यहाँ पर बना दो, ये प्रोडक्ट बन गया, ये आपको पता है सिन वन टू डायोल हो गई, सिन वन टू डायोल हो गई, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आप इसको हटाओ और बीच में डबल बॉन्ड बना दो, और E और Z दोनों बनाना है, बिल्कुल ये। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ, ये यहाँ पर ले लूँ, जैसे यहाँ पर ये वेज, वेज पर OH, यहाँ पर ये डेस पर OH, ये हमने ले लिया, समझ में आ रहा है ना, और कंडीशन बिल्कुल सेम यहाँ पर ले ली, तो आपको पता ही है वन टू डायोल है, वन टू एंटी डायोल है, एंटी डायोल, और चूंकि ये एंटी डायोल है तो यहाँ पर इस तरह से फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों सेम साइड में, इसलिए बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइड में होने के कारण फाइव मेंबर रिंग नहीं बनेगी, मतलब ऐसे केस में यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन यही केस अगर मान लो कि ऐसा होता, जैसे एट मेंबर रिंग होती यहाँ पर, ये एट मेंबर रिंग होती और ये वेज पर OH और ये डेस पर OH होता, तो आपको पता है एट मेंबर रिंग एक्चुअली फ्लेक्सिबल होती है, एट मेंबर रिंग या उससे बड़ी रिंग फ्लेक्सिबल होती है, ये रिंग फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से आप इसको इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसे ये यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो इसको, ये यहाँ पर देखो कैसे, जैसे ये वेज पर जो OH है उसको दबाकर आप प्लेन में कर दो तो ऑटोमेटिक ये वेज पर चला जाएगा, और यहाँ पर जो डेस पर बोर्ड के पीछे OH उसको घुमाकर यू कर दो प्लेन में तो ऑटोमेटिक डेस पर चला जाएगा, तो कुल मिलाकर अब ये ऑटोमेटिक एक ही प्लेन में आ गए है ना, ये वेज पर, ये डेस पर चला गया, क्योंकि एट मेंबर रिंग फ्लेक्सिबल है तो यहाँ पर वही फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन पॉसिबल है, यहाँ पर फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन पॉसिबल है, और कुल मिलाकर यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, मेक मरी रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक ही सेम साइड में आ गए, दोनों OH यहाँ पर ऑटोमेटिक किस में आ गए, सेम साइड में आ गए, सेम साइड, और सेम साइड में आने के कारण अब ये मेक मरी कपलिंग रिएक्शन दे देगा, तो कुल मिलाकर मेक मरी कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर आपके हो गया होगा। तो देखो ज्यादा कुछ आपको यहाँ पर थ्योरी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है ना, मेक मरी कपलिंग रिएक्शन में मोर देन सफिशियंट है, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए, उसके बाद केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, फिर आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या आपके यहाँ पर नहीं आएगी, क्लियर है भाई, सबके समझ में आ रहा है।
सबके समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ये करना है, अगर कार्बोनिल आपको दे रखा है, ठीक है ना, और एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो, तो कीटोन को ज्यादा प्रायोरिटी आपको देना है। और मैकेनिज्म देखने से आपको पता चल गया कि सिन 1,2 डायोल भी देता है, इसके लिए भी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों को टकर बीच में बॉन्ड बना दो, क्लियर है? और सिन देता है, इन एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो अपने यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ध्यान से समझना, आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखो। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो समझना, यहाँ पर जैसे आपको पता है ये सिन डायोल है, सिन डायोल है, तो सीधे सीधे इसको इसको हटाओ और यहाँ पर आप ये बना दो, इस दोनों को हटाओ और यहाँ पर बीच में बॉन्ड बना दो, ये बन जाएगा, है ना। तो मैं यही पर बना देता हूं, जैसे यहां पर ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इसके चाहो तो आप चेयर फॉर्म भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से, है ना, चेयर फॉर्म आप बना सकते हो यहां पर, ये इस तरह से, समझ में आ रहा है ना। और आपको अच्छी तरह से पता होगा दोनों OH सेम साइड में, तो ये एक OH और ये दूसरा OH, यहाँ पर इन दोनों ऑक्सीजन से टाइटेनियम जुड़कर यहाँ पर 5-member रिंग बना लेंगे। और ऐसे केस में यहाँ पर इजीली ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये बीच में दोनों रिंग के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा, है ना। तो ये एक्चुअली सिस डेकालिन टाइप का केस हो गया। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये एंटी है, ये तो आपको पता है, ये तो सिन था इसलिए रिएक्शन हो गया, एंटी है, और कुछ भी करके आप फिलिपिंग द्वारा इनको सिन पे नहीं ला सकते, दोनों को सेम साइड में नहीं ला सकते, ये ट्रांसडेकालिन टाइप का केस है ऐसा, इसमें फिलिपिंग वगैरह होती ही नहीं है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों OH को सेम साइड में ले आओ। तो कुल मिलाकर एंटी है और ऐसे केस में ये रिएक्शन देगा ही नहीं, ये यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं देगा, तो यहाँ पर आएगा नो रिएक्शन। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो ए में तो ये बनेगा और बी में नो रिएक्शन होगा, तो ए और बी सेम होगा ही नहीं, ए में ये बनेगा बी में नो रिएक्शन, एकदम सही होगा। यहाँ पर नो रिएक्शन ए में बता दिया, इसमें दोनों में नो रिएक्शन, तो ये गलत हो जाता है, ये होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। आई थिंक बहुत अच्छे से अब आपके समझ में आ रहा होगा, क्लियर है भाई यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्या बता रखा है, अच्छा ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब इसके बारे में यहां पर देख लेते हैं, देखो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान देना, आपको पता है कि ये मेकमरी रिएक्शन की कंडीशन है और ये दो कार्बोनिल एक ही मॉलिक्यूल में यहां पर दे दिया, हालांकि एस्टर है लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको केवल इनको हटाना है और बीच में डबल बॉन्ड बना देना है। अब देखो यहां पर समझना, ये 6 कार्बन तो ये आ रहे हैं, 6 के साथ ये 7 और 8 और ये 9, देखो ये 6 तो ये हो गया ना, ये 6 7 8 9 10, इसका मतलब 10-membered रिंग बन जाएगी, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना दो आप, तो 10-membered रिंग सबसे पहले अपन यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं, ये 10-membered रिंग। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना दो, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड जो इन दोनों के बीच बनेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से एक मेथिल जुड़ा रहेगा और डबल बॉन्डेड कार्बन से एक OME यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये OME यहाँ पर अपन ने जोड़ दिया, ये लोन पेरिस पर है। अब देखो इसका काम तो खत्म हो गया यहां पर, इसका काम तो यहां पर खत्म हो गया, इसके बाद अब इसकी रिएक्शन, इसको एसिडिफाई करना है, मतलब एसिड से ट्रीट करना है, तो जाहिर सी बात है ये आपको पता है ये विनाइल ग्रुप है ऑक्सीजन और इससे डायरेक्ट डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो विनाइल मतलब ये विनाइलिक ईथर है और विनाइलिक ईथर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहां पर एक्चुअली क्या होगा, जैसे आप H+ लोगे तो आपको पता है लोन पेयर यहां से यहां पर होगा, तो H+ एक्चुअली इस कार्बन पर अटैक कर देगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये यहां पर हो गया भाई, ठीक है, यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन से ME जुड़ेगा, यहां पर पॉजिटिव आ गया, यहां पर ये मेथिल हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन को लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, अब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आने से ये ME प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ME प्लस बाहर निकल जाएगा, तो कुल मिलाकर जैसे ME प्लस बाहर निकलेगा तो C डबल बॉन्ड O रहेगा, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। देखो ये तो बनेगा ही नहीं, दो सी डबल बॉन्ड ओ है, गया काम से, इसमें 9-membered रिंग है, यहाँ पर भी 9-membered रिंग है, प्रोडक्ट आपका यही बनेगा बी ऑप्शन, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कितने भी हो सकते हैं,
है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, आपको केवल और केवल यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं। देखो वेरिएशन यहाँ पर हो सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन जो मेक मरी रिएक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, आपको उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए और भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके देखने हैं, ताकि कोई डाउट आपके नहीं रहे, है ना। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ताकि अगर कोई भी डाउट आपके रहे तो दिमाग से निकल जाए। जैसे यहाँ पर यह समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो अपन ने ये ले लिया भाई, यहाँ पर जैसे ये ले लिया डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और यहाँ पर एच। अब आपने मान लो रिएक्शन यहाँ पर ये करवा दी, ये रिएक्शन करवा दी यहाँ पर CH3, है ना, और कंडीशन वही है TiCl3 और यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको बताना है कि प्रोडक्ट्स की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे यहाँ पर, है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे ये आपको बताना है। आपसे मेजर माइनर नहीं पूछा, बल्कि प्रोडक्ट की संख्या पूछी है। तो देखो आप यहाँ पर एक बात तो समझने की कोशिश करना कि इसमें प्रोडक्ट कितने होंगे समझना। देखो ये आपको पता एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और ये यहाँ पर क्या है, ये कीटोन है, क्योंकि इधर CH3 आ रहा है, ये कीटोन। और आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर कीटोन ज्यादा फेवरेबल होता है मेकमरी रिएक्शन के लिए एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो ऐसे केस में क्या होगा, इस कीटोन का ये ऑक्सीजन हटाओ यहाँ से, है ना, यहाँ से ऑक्सीजन हटाओ और यहाँ से इसका ऑक्सीजन हटाओ और दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना दो, ये इस कार्बन के बीच। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कैसे बनेगा, देखो ये जैसे यहाँ पर ये हो गया, इधर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, है ना, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर क्या जुड़ा है, CH3, और इधर क्या गया, ये सी डबल बॉन्ड हो एच, मतलब CHO ये CHO हो गया यहाँ पर, ये क्लियर है। अब देखो यहां पर अगर इन दोनों में मैं प्रायोरिटी देखूं, तो इसमें कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है हायर प्रायोरिटी, इसमें कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, जबकि इधर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसकी हायर प्रायोरिटी। इसका सीधा सीधा मतलब हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में, मतलब यहां पर ई बन जाएगा। अब ई बनाए तो मैंने कहा ना कि ई और जेड दोनों ही यहां पर बन सकते हैं, मतलब ये केस ऐसे हो सकता है, जैसे CH3 यहां पर डबल बॉन्ड, आप इसको घुमाकर भी बना सकते हो वैसे ये CHO। तो ऐसे केस में हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में, मतलब ये जेड फॉर्म यहाँ पर बन गई, तो ई भी बनेगा जेड भी बनेगा, इसके लिए मेजर है। ये मेजर क्यों बोला मैंने, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन मोर फेवरेबल है। तो क्या अब ये एल्डिहाइड काम में नहीं आएगा, ये एल्डिहाइड ये भी आएगा, लेकिन उससे बनने वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। जैसे ये समझो आप यहां पर मैंने ये कर दिया, जैसे ये यहां पर लिया ये डबल बॉन्ड, ये CH3 है ना, ये यहां पर जो है CH3। अब मैंने जैसे इस डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन को हटाया, इस ऑक्सीजन को हटाया, इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दिया, तो इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाऊंगा, तो इससे क्या जोड़ा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, और इधर क्या जुड़ेगा अब सी डबल बॉन्ड और CH3, तो यहाँ पर आपने जोड़ दिया सी डबल बॉन्ड और CH3। अब देखो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में, तो जेड फॉर्म हो गया, तो क्या ई फॉर्म नहीं बनेगा, ई भी बनेगा, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो ये CH3 यहाँ पर, ये CH3 क्लियर है, यहाँ पर यह डबल बॉन्ड, यहाँ पर है H और यहाँ पर यह हो गया डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर हो गया E बॉन्ड। तो यहाँ पर इस केस में एल्डिहाइड काम में आ रहा है, देखो कीटोन बचा हुआ, इसका मतलब सीधी सीधी बात है माइनर है, ये क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो दो मेजर और दो माइनर बने, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर कितने बने, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर बने चार प्रोडक्ट, कितने चार प्रोडक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि मेक मरी कपलिंग रिएक्शन से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, देखो अपन ने थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, कुछ वेराइटी के क्वेश्चन सोल्व करके भी देख लिए। अब आपको इसी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हुए एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए ना, वो सब सोल्व करके देख लो, है ना। ये जो है वो नेट और गेट दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई और गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, नेट और गेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन यहां पर करवा रखा ना, ये ऑलरेडी ये गेट नेट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी नेट में पूछा जा चुका है, नेट का क्वेश्चन है, है ना। और ऐसे एक नहीं कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं नेट और गेट दोनों एग्जाम में, इसलिए दोनों ही एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, आपको अच्छे से करना है। और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उनको सोल्व करना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद बहुत आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आई थिंक सब कुछ अब आपके क्लियर हो गया होगा।